हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। प्यार दोनों तरफ से हो जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सी लव स्टोरी वन साइड भी होती है। उन्हीं में से एक स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाले राहुल से, जो अपने क्लासमेट जिया से बहुत प्यार करता। फाइनल ईयर में पहुंच जाने पर भी राहुल अब तक जिया से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। क्लासमेट होने की वजह से राहुल और जिया में बातचीत तो होती थी, लेकिन सिर्फ जरूरत भर। जिया को लेकर राहुल के मन में क्या फीलिंग थी, ये पूरे कॉलेज भर में सिर्फ उसके एक दोस्त श्याम को मालूम थे। श्याम अक्सर राहुल को कहा करता था कि यार, तू अपने दिल की बात जिया को बोल क्यों नहीं देता। अब तो कॉलेज के भी आखिरी दिन आ चुके थे, इसलिए श्याम राहुल को बोलता है कि राहुल, अब कुछ दिनों बाद हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। अगर तुमने अभी जिया को अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बता पाओगे। शाम की ये बात सुनकर राहुल भी इस बारे में सोचने लगता है और वह ये फैसला करता है कि वह सब कुछ जिया को बता देगा। जिया जब अगले दिन कॉलेज आती है तो राहुल उसका इंतजार लाइब्रेरी में कर रहा होता है। जिया भी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। फिर उन दोनों के बीच क्या बात होती है, आइए आगे सुनते हैं। राहुल हिम्मत करके जिया से बोलता है कि जिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिया इस पर राहुल को बोलती है कि हाँ राहुल, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। राहुल थोड़ा डरा हुआ होता है, इसलिए धीमी आवाज में बोलता है कि जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर जिया गुस्से में जवाब देती है, क्या? राहुल फिर थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं ये बात तुमसे बोल नहीं पाया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और जाना, तभी से मैं तुम्हें अपनी दुनिया मान चुका हूँ। जिया गुस्से में बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो राहुल, तुम होश में तो हो ना, तुम क्या कह रहे हो। राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से जवाब देता है, हाँ जिया, मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया गुस्से में जवाब देती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं समझती थी कि तुम बहुत सीधे हो। ऐसा कहकर जिया वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। राहुल उसे अपने दिल की बात कहने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर वह नहीं रुकती। इससे राहुल काफी उदास हो जाता है। अब जिया और राहुल का कॉलेज भी फाइनली खत्म हो चुका था। जिया अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी, इसीलिए वे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चली जाती है और राहुल को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ देती है। इन सबसे राहुल काफी टूट चुका था, इसीलिए वे नदी के किनारे जाकर बस बहते पानी की आवाज सुना करता था। और राहुल बस यूं ही पूरे दिन बैठा बैठा जिया को याद करता। फिर एक दिन जब राहुल के दोस्त शाम को ये बात पता चलती है कि राहुल ने जिया की याद में अपना हाल बेहाल कर रखा है, तो वह उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि जब जिया ने तुमसे प्यार ही नहीं किया और वह तुमसे दूर जा चुकी है, तो तुम बेवजह उसे क्यों याद करते हो। तुमने अभी तक उसे अपने दिल में क्यों बिठा रखा है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। इस पर राहुल रोते हुए शाम को जवाब देता है कि हासिल करके तो कोई भी प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही असली प्यार है। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। दोस्तों, यदि आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।